हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज सिमरन। नाइन्थ क्लास की हमने सीरीज शुरू कर रखी है केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं इज मेटल अराउंड अस प्योर, राइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बने हों, बट उन्हें केमिकली कंबाइन नहीं किया गया हो। जैसे एग्जांपल लिया जाए, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मडी वाटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मिक्सचर्स के, ठीक है। कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओ, मिक्सचर क्या होगा आपका? दो या दो से अलग एलिमेंट को मिक्स कीजिए या कंपाउंड को मिक्स कीजिए, उन्हें घोलिए, वो आपका मिक्सचर बना देगा। जैसे पानी लीजिए, आप पानी के अंदर शक्कर घोल दीजिए तो क्या होगा? वो एक सॉल्यूशन, मीठा पानी बन जाएगा, वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। वो एक मिक्सचर है, दो चीज़ों को मिक्स किया गया है तो वो एक मिक्सचर है। इसी तरह अगर मिट्टी को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। इसीलिए एक बात कही जाती है, आप नोट कीजिए, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। हर एक सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर हो सकता है, होता है। मिक्सचर आपका कोई भी हो सकता है, जैसे एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, वो आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। अब एक और बात जो है वो ये है कि बहुत सारे नेचर के अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, नेचर के अंदर जैसे ओर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें पहले ही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उन्हें मिक्सचर कहते हैं, ठीक। अब एक पॉइंट और कह सकते हैं हम कि आपने इंक देखी है, देखी होगी ना इंक, पेन के अंदर जो इंक होती है, अगर आप उस इंक को पानी के अंदर मिक्स कर दो तो वो भी एक मिक्सचर ही कहलाएगा। इंक के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिस वजह से इंक इंडिविजुअली एक मिक्सचर ही है, ठीक है, मिक्सचर ही है, ओके। नाउ मिक्सचर्स आगे दो टाइप के होते हैं हमारे, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और हमें पता भी ना, मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है, और एक अच्छा सॉल्यूशन बना ले। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है वो सेपरेट ही रहता है, चाहे वो स्प्रेड आउट हो चुका हो, बट अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए रख दो वो वापस अप नीचे सेटल डाउन हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस के लिए क्या एग्जांपल लेंगे हम? पीछे हमने जैसे किया था शुगर सॉल्यूशन, अगर पानी में शक्कर को घोलेंगे तो मिक्स हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है, हमें शक्कर नीचे नहीं दिखेगी, बट एक एक्सटेंट के बाद वो जो क्वांटिटी है, सपोजिंगली हमने इतना पानी लिया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट में शक्कर मिक्स होगी, कुछ देर बाद शक्कर नीचे मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। जब वो बैठनी शुरू हो गई तो वो एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, समझ में आया आप सबको? तो वो क्या, एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बन जाता है। अदरवाइज जब तक शुगर इसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स होती रहेगी हमें दिखेगी नहीं, वो एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम आप ये कह सकते हो ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर, या आप करेक्ट वे में अगर मैं कहूँ ऑल होमोजीनियस, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन।
सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, बट वाइसा वर्सा इज़ नॉट ट्रू कि सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकते, राइट? सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि हमें उसकी बाउंड्रीज ना दिखें, वो विजिबली हमें ना दिखें जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, राइट? यही हो सकता है ना, जैसे इधर शक्कर नहीं दिख रही हमें, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस वो होता है जिसके अंदर एक टाइम तो मिक्स हो जाए चाहे, बट आफ्टर दैट वो सेटल डाउन हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लो मडी वाटर का, एक बार तो जैसे पानी के अंदर हम मिट्टी घोलेंगे तो मिक्स हो जाएगी, हमें ऐसा लगेगा मिक्स हो गई है, बट मिट्टी के पार्टिकल्स जगह जगह दिखेंगे, ठीक है, सस्पेंशन होगी हर जगह दिखेंगे हमें, बट कुछ देर बाद अगर वो एक बार ऐसा है ना हमें दिख रहे हैं उसके पार्टिकल्स, बट आफ्टर सम टाइम ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पानी अलग दिखेगा, वो पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, मिट्टी अलग दिखेगी, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि हमें वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ है, उसकी कुछ बाउंड्रीज विजिबल हैं, कंपाउंड हमें दिख रहा है, वो सेपरेबल है, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं ईजिली। इसे किससे कर सकते हैं? डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के अंदर दो टाइप की चीज़ें आती हैं, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलोइडल कोलोइड्स। कोलोइड्स क्या होता है? जब आप दूध के पानी के अंदर दूध डाल दो, दूध का अगर सपोजिंगली इतना आपके पास पानी है उसके अंदर अगर आप 2-3 चम्मच दूध डाल दो तो पूरा सॉल्यूशन वाइट वाइट हो जाता है, राइट? कई बार ऐसा होता है ना मंदिर में जाना हो, लुटिया में माँ और क्या करती हैं, पूरी लुटिया पानी की होगी बट उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देती हैं जिससे वो पूरा दूध जो पूरी पानी होता है वो वाइट वाइट दिखता है, राइट? वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होगा आपका? ये मडी वाटर वाला, कि पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं और वो आपको दिखेंगे, विजिबल होंगे क्लियरली। तो आप एक बात कह सकते हैं कि जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो हमारे सस्पेंशन और कोलोइड्स ही होते हैं। आप ये कहो, ऑल सस्पेंशन एंड कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इन शॉर्ट इस पूरी कहानी से, ये जो हमने पढ़ा है मिक्सचर के बारे में, उससे आपको सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस ही होते हैं, एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड एलॉयज, दे आर होमोजीनियस। ठीक है, मोस्ट ऑफ मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस। Only solutions and alloys are homogeneous. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, मिक्सचर्स वाला कंप्लीट क्लियर हो गया हो कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।